हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग तो आज मैं गाइस आप लोगों के लिए ऑन बोर्डिंग अपडेटेड इफॉर्मेशन लेकर आई हूँ बेप्रो एल टी माइंड्री इन्फोसिस कब जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन निकली है इस वीकली जो लास्ट फिफ्टीन डेज़ में इंफॉर्मेशन निकल कर आई है जो मे फिफ्टीन के तो इस मंथ में जो जितने जो ज्वाइनिंग दी है अदर कंपनियों ने क्या इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके रिगार्डिंग देखिए सबसे पहले एल टी आई माइंट्री की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर है कि यहाँ पर देखिए क्या इंस्ट्रक्शन मेन्शन है कि गुड फॉर ईगरली वेटिंग फॉर योर अपडेट फ्रॉम फॉम लेबल सॉरी इट्स बीन अराउंड अ मंथ एंड आई है लॉग इन टू इन टेलीग्राम और दैट फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड द फर्स्टली दिस मेल्स आर ट्रिगर एंड अ फिल्टर एसोसिएट हु आर अवेटिंग फॉर द अनुमोडिंग पोस्ट दे विल बी प्लान अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लोकेशन and the reason few uh, them received joining for the few startup NMNC so if anyone want to opt for the that opportunity they can be rebook LTI offer तो so guys इन्होंने you know, questions निकाले हैं जहाँ पे सभी candidates के questions निकल कर रहे थे कोई क्वेरी रेज हो रही थी तो उसी के रिगार्डिंग कंपनी ने एक प्रॉपर मेल के अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्होंने हर एक क्वेश्चन के आंसर मैंशन किए हर एक क्वेरी वहाँ पर मैंशन किए जितने भी लोग हैं तो यहाँ पर भी ये मैंशन है यू मे आस्क द एसोसिएट हु हैव रिसीव द मेल फॉर द सर्विस डेस्क साइबर सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट जी आई एस क्लाइंट और दैट ट्रिगर इन्फॉर्मेशन तो द रीजन ऑफ यू हैव रिसीव द जॉइनिंग फॉर द फ्यू स्टार्टअप तो गाइस यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि जो जो लोगों ने एमएनसी ने इफ एनवन वॉन्ट टू एफ टू अपॉर्चुनिटी दे कैन रिमूव द एल टी माउंड माइंड ट्रेक मतलब वो रिमव कर सकते हैं ऑफर लेटर को अगर उन्होंने कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन अगर कर लिया है वैन विल बी द ऑन बोर्डिंग स्टार्ट एवरी एसोसिएट हैज अ क्वेश्चन दे विल बी ऑन बोर्डेड एज पर द लेटेस्ट अपडेटेड कन्फर्मेशन दिस इज द दंथ मेजोरिटी ऑफ द एसोसिएट फॉम पैकेज विल बी ऑन बोर्ड एंड ऑफ दिस मंथ तो गाइस गुड इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मे एंड तक आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी हाँ तो एवरी एसोसिएट बैन विल भी ऑन बोर्ड स्टार्ट तो गाइज यहाँ पे बोला है कि उन्होंने एंड मैनशा एंड कलिंगा लोकेशन एसोसिएट आर गोइंग टू फिनिश देयर ट्रेनिंग बाय द मंथ अरेंज्ड ऑफ द केक स्टार्टेड कोयम्बटूर बैंगलोर आर डन विद देयर ट्रेनिंग एंड नाउ अंडरगोइंग द समोलेशन एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग चेनिंग एंड प्यू आल्सो फॉर द फाइनल फेज ऑफ ट्रेनिंग तो जितनी भी ये ट्रेनिंग फेज के सम्प्लीट है वो कम्प्लीट हो जाएंगे तो गाइज़ आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिक्वायरमेंट फ्रॉम माई बी यू एंड डी यू कॉल्स विल भी रिसीव फॉर द हायर पैकेज फॉराम फ्यू मोर यूनिट्स प्लीज मेक श्योर योर गाइज आर

सो पर्सनल एडवाइस टू सेफर एडवाइस अपॉर्चुनिटीज कॉल मोस्टली जून सेप्टेम्बर विल हैविन द मास हायरिंग सो यू कैन गाइज अपलाई फॉर दैट मीन बाई यू कैन हैव अ इग्नाइट ऑफ फिनिश योर माइ स्टोन तो गाइज़ आप लोगों की मास हायरिंग भी जून और सेप्टेम्बर के बीच में एलटी आई माइंड्री की तरफ से होने वाली है तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ और तैयार हो जाइए क्योंकि मास हायरिंग के लिए कंपनी ने पहले कन्फर्मेशन दे दिया है कि मास हायरिंग होगी कंपनी की तरफ से तो so, बात करते हैं अभी रिसेंटली में एक ऑफर लेटर रिसिव्ड हुआ है लोकेशन भी मैंशन की रखी है एल टी आई माइंड्री ने ट्वेंटी सेवन्थ मे का हम लोगों का जो इग्नाइट का प्रोग्राम है Inform that you have to schedule your onboarding on 27th May 2024. Location will be Calcutta, LTI Mine Tree Office. और इसमें रिपोर्टिंग टाइम लोकेशन बिल भी दिया है नाइन ए एम डेट ऑफ़ ज्वाइनिंग हैज़ बीन द प्लान टू अकोमोडेश कम्पलीशन ऑफ योर अकेडमिक पोजिशन ऑल दैट और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल इन, इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप लोगों का जो वर्क लोकेशन है वो तीन साल तक के लिए आपका कोई चेंज नहीं होगा जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया जाएगा ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग होगा तो आप लोगों को ये पंद्रह तारीख से पहले फिल करना था पर काफ़ी लोगों के पास में इनफॉर्मेशन ये पहुँच गई होगी अब बात करते हैं विप्रो के रिगार्डिंग विप्रो ने भी अभी तक ट्वेंटी थर्ड मे को शेड्यूल किया है उन्होंने ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन तो यहाँ पे भी उन्होंने सक्सेसफुल ज्वाइनिंग विप्रो वी वुड लाइक टू ऑन बोर्ड यू वर्चुअली ऑन ट्वेंटी एथ मे बीस मे को वर्चुअली ऑनबोर्ड करने वाले हैं तो ट्वेंटी थर्ड मे को उनकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी शेड्यूल ऑफ इन्फॉर्म दैट ज्वाइनिंग उनकी ट्वेंटी थर्ड मे को होगी और बीस मे को वर्चुअली ऑन बोर्डेड होगी जो भी फर्दर इंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी देगी वर्चुअल ऑन बोर्डिंग में जिसमें आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए और नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए अब बात करते हैं सी की तरफ से अभी प्लीज़ शेयर यो डॉक्यूमेंट इज थ्रू द ऑफलाइन यू बी जी सी इज ऑन होल्ड तो गाइज बहुत सारे कैंडिडेटों ने अभी सेवन्थ मार्कशीट और जो एट्थ मार्कशीट है और जो कि हम लोगों ने डिग्री अगर सबमिट नहीं की थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने अपलोड नहीं किया था तो रिजेक्शन हो गए हैं उन लोग के कुछ और कुछ लोगों का जो कि बी है वहाँ पर होल्ड पर डाल दिया गया तो उनको क्या करना है डॉक्यूमेंट थ्रू द ऑफलाइन मोड में आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो भी फर्दर एड्रेस उन्होंने शेयर किया होगा अब बात करते हैं इफोसिस के रिगार्डिंग अभी मैंने जस्ट रिसेंटली में अभी सुबह मॉर्निंग मैंने तो अभी एक अपडेटेड कम्युनिटी सेशन में अभी जो पोल जनरेट किया तो वहाँ पे मैंने पूछा कि एबिलिटी के रिगार्डिंग कितने सारे लोगों के पास में मेल आई हुए हैं क्योंकि इन्फोसिस ने भी अभी रिलीज़ किए हुए हैं पिछले हफ़्ते और अभी जस्ट रिसीव किया था कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट के, के थे और कुछ कैंडिडेट जो पुराने थे जिनकी अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुई थी तो उनके पास में एबिलिटी के रिगार्डिंग टू थाउजेंड बैच के कैंडिडेट थे उनके पास मेल आया कि वो कन्फर्मेशन करेंगे सर्वे लिंक के बारे में तो फाइव लोगों ने ही आंसर दिया है तो आप लोग लोग मेरे कम्युनिटी सेशन में जाइए वहाँ पे पोल जनरेटेड वहाँ पे वोट करिए जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कितने सारे इन्फोसिस के पास में ये सर्वे मेल आया है कंफर्मेशन का कि वो ज्वाइनिंग करेंगे कंपनी की नहीं करेंगे या फिर उन्होंने अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना